आपका नाम जी? मोहम्मद रफीक। आपका? सुखा। आप कब से यहाँ पर हैं? सदा से यहाँ पर हैं। यहीं पर हैं। क्या काम है आपका? हमारा जमींदारी का काम है। जमींदारी का काम। आप लोग वोट डालते हैं? हाँ, वोट डालते हैं। क्या सोच के वोट डालते हैं? सबसे बड़ा मुद्दा क्या है आपके? सबका मुद्दा यही कि विकास हो और बेरोजगारी जो खत्म हो जाए। तो सबसे बड़ा मुद्दा विकास का है, पर आपके यहाँ पे ना रोड है ना कुछ है? कुछ नहीं, रोड आप देख के भी आए होंगे, रोड नहीं। रोड नहीं है यहाँ पर? तो कुछ विकास हुआ है गांव में? कुछ नहीं हुआ, आज तक भी नहीं हुआ। कोई विकास नहीं? कुछ नहीं हुआ। आपको लगता है यहाँ जातिवाद हो रहा है? बिल्कुल लगता है। क्या जातिवाद हो रहा है बताएंगे? भाई ये आपस में भाईचारा, वो मतलब मोहब्बत नहीं है। पहले ठीक था? पहले ठीक था जो माहौल यहाँ पर, अब नहीं है? अब नहीं। आज से 15-20 साल पहले अच्छा माहौल था यहाँ। इससे डर है? डर तो है जी, डर नहीं है, पूछ रही हूँ आपसे। हाँ डर है आपको? हाँ बिल्कुल है। जब आप निकलते हैं क्या आप लोगों से ज्यादा पूछताछ होती है, कुछ होता है? क्योंकि यहाँ पर तो फिर बीच में जो तिजारा की बात कर रहे हैं, तस्करी का मामला चला था, तो कुछ ज्यादा आप पे दबाव डाला जाता है बिना बात में? तस्करी, हम तस्करी नहीं करते हैं जी। नहीं आप लोग नहीं करते ना, पर यहाँ पर जो चला था बीच में, नहीं यहाँ कोई, यहाँ पर मतलब कोई दिक्कत आती है पुलिस से? पुलिस नहीं, यहाँ पर हमारे नहीं करती। आता है। हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं, कोई तंग नहीं करता ना? कोई नहीं करता, उसे वैसे नहीं करता। इस बार सरकार से क्या चाहते हैं ये बताइए, अपने गांव के लिए क्या चाहते हैं? हम तो अपने गांव के लिए रास्ता मिल जाए, हमारे लिए पक्की सड़क, पानी की कमी है, पानी मिल जाए। पानी है, जल है, नल है, अभी जो हर जल नहीं है, कुछ नहीं है, स्कूल नहीं है, स्कूल भी नहीं है इसमें। कितनी आबादी है आपके गांव की? आबादी तो मैम 200-250 के लगभग। कुछ भी नहीं है, ना स्कूल है ना कुछ है, आंगनवाड़ी है वो भी नहीं, नहीं है, है, है। दूध आप कहाँ बेचते हैं? यहीं से डेयरी पे? डेयरी पे बेचते हैं। पर आपका अभी जो धंधा ठीक है या नहीं है? ठीक है धंधा, वो ठीक है, दूध दे रही हैं गाय। सबसे बड़ी दिक्कत है यहाँ का माहौल, वो आपका सबसे बड़ी दिक्कत है। माहौल सही होना चाहिए, माहौल सही होना चाहिए, हिंदू मुसलमान नहीं होने चाहिए, सही बोल रहे हैं किसी भी धर्म के बारे में। तो आप सही।